दोस्तों क्वेश्चन दो मेथड से करेंगे, एक वर्बल शॉर्टकट और एक डिटेल तरीका, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन थ्री सैम्पल्स इज 2:1, 3:2 एंड 5:3। अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल थ्री सैम्पल्स इज मेड, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर इज। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये इक्वल है, ठीक है। जब भी इक्वल आएगा, हमने कितने वेसल मिलाए हैं, तीन वेसल मिलाए हैं, थ्री सैंपल मिलाए हैं ना, तो जो ऑप्शन का सम होगा ना वो तीन से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो 120 और 133, ये तीन से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो होता है पर ये नहीं होता, तीन से तो ये ऑप्शन कट गई। सिमिलरली देखो 120 ये तीन से डिवाइड होता है, 227 तीन से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कट गई। अब मेरे पास बची ये दो ऑप्शन, ठीक है। देखो 227 और 133 मिलके 360 आएगा, ऐसे ही 227 और 133 ये भी मिलके 360 आएगा, ये तीन से डिवाइड होता है। पर अगर आप ध्यान से देखो द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड, ठीक है, एसिड एंड वाटर बेसिकली क्या है, आप ये देखिए हमसे पूछा गया है वाटर और एसिड का रेशियो, और यहाँ जो हमें दिया है वो दिया है एसिड एंड वाटर। मेन बात यह है, हर जगह पर एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, एसिड ज़्यादा है वाटर कम है, एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना उसमें भी एसिड ज़्यादा होगा वाटर कम होगा। तो वाटर होना चाहिए कम और एसिड होना चाहिए ज़्यादा, यहाँ पर क्या है वाटर ज़्यादा एसिड कम है, तो ये भी कट गई। तो बचा क्या, सिर्फ यही पॉसिबल ऑप्शन है, डायरेक्टली ऑप्शन 4 इज दी आंसर, ठीक है। ये हो गया एक मेथड, अब सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। तीन वेसल है मान लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये क्या है 2:1, 3:2, 5:3, ये क्या है अल्कोहल इज टू वाटर, ये है। देखो इनका सम कितना है, इनका सम है 3, इनका सम है 5, इनका सम है 8, ये चीज़ क्लियर है, सम 3, सम 5, सम 8। दोस्तों अब एक चीज़ और देखना, आपको एक और बढ़िया चीज़ बताऊंगा मैं इसमें। तो ये 3, 5, 8, मैं क्या करूँगा, जब इनकी मुझे क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम लेनी है ना, इक्वल क्वांटिटीज़, तो मैं क्या करूँगा इनकी क्वांटिटीज इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लूँगा मैं 3, 5 और 8। मतलब देखो जैसे 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 इंटू 5। अभी आप ध्यान से देखिए, मैं दो तरीके से सॉल्यूशन और बताऊँगा अभी इसका, एक नॉर्मल सॉल्यूशन कर रहा हूँ ये। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, ये 2:1 है, इसको 40 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 80:40, ठीक है। ये 24 है, 3:2 को 24 से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना हो गया 72:48। 5:3 को 15 से मल्टीप्लाई करा, 75:45, आप इन्हें ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों इसको पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान समझना, आपको दो तीन कंसेप्ट बताऊंगा मैं इसमें, आंसर तो हमारा आ गया लगभग 40, 48, 45, ये कितना हो गया 133, ये क्या आ रहा है मेरा एसिड इज टू वाटर आ रहा है ये, 80, 72, 75, 70, 140 और 80, 220 और 7, 227, ये हो गया एसिड इज टू वाटर। हमें चाहिए क्या, वाटर इज टू एसिड, वो कितना हो जाएगा 133:227। आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और खास ध्यान देने वाली है, जो ऑप्शन देख के हो जाती है उसमें क्या, देखो यार हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये सारी चीज़ें 3, 5 और 8 का मल्टीपल है, कैसे, इनका सम 3 है, फिर इसको 5 और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सम देखो ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 5 से भी डिवाइड होगा, ये सम 8 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, हर ये जितनी भी वैल्यू है ना, देखो ये सारी की सारी वैल्यूज़ का सम 3, 5, 8 सबसे डिवाइड होगा, क्यों, देखो इनका सम क्या है 120, इनका सम क्या है 120, इनका सम क्या है 120। तो जो जो ये मैंने ऑप्शन चेक करनी थी ना, मैं ये भी चेक कर सकता था कि कौन सी ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, 3।
तो मैं डायरेक्टली ये भी देख सकता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन है जो किस किस से डिवाइड हो रही है। ये सम 3 है, ये सम 5 है, ये सम 8 है, मतलब इन सब से जो डिवाइड हो जाएगी वो आंसर होगा। तो मैंने देखा मान लो 8 से कौन सी डिवाइड होती है सम। तो देखो जो ऑप्शन, ये देखिए ध्यान से, ये एक ऑप्शन ऑड है, एक ऑप्शन इवन है, इनका सम हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ये 8 से कभी डिवाइड नहीं होगी, ये भी कभी 8 से डिवाइड नहीं होगी। आप इनका सम देखेंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये दोनों 8 से डिवाइड हो रही हैं, पर मुझे ये पता है क्या कि एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, तो भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या देखना था 8 के लिए, आपने क्या देखना था कि कौन सी ऑप्शन इवन है। ये तो ऑड है, इनका सम भी ऑड है, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गई, क्लियर है ना। तो बचते हैं ये दोनों, और फिर मैंने हिसाब लगा लिया कि एसिड है ज़्यादा और वाटर है कम।